स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसका सर्वोच्च पद भारत का राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन होने वाला है। केंद्र सरकार में रियल पावर प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति उनसे ऊपर आते हैं। प्रोटोकॉल का एक एग्जांपल, अगर किसी फंक्शन में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को आना हो तो ऐसे में उनका स्टाफ पहले से ही टाइमिंग को कोऑर्डिनेट करता है। पहले प्रधानमंत्री पधारेंगे, उसके उपरांत महामहिम राष्ट्रपति आएंगे। जब निकलना हो तो पहले महामहिम राष्ट्रपति जाएंगे और फिर प्रधानमंत्री महोदय जाएंगे, और दोनों समय पर प्रधानमंत्री उनके सम्मान में खड़े होंगे। ये प्रोटोकॉल है। आज हमें बात करनी है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। यहाँ से तीन तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। एक तो फैक्ट पर पूछ लेती है, दूसरा जो प्रोसेस है इलेक्शन का उस पर, और तीसरा जो प्रोविजंस यूज होते हैं यहाँ पर उनके फर्दर एप्लीकेशन, उसकी डेप्थ चेक करने के लिए उसी पर मल्टीपल स्टेटमेंट बना देती है। हम बात करेंगे अभी उसके बारे में। शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, फाउंडेशन बैच लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 20 जून से। मेरा पर्सनल ये मानना है कि केवल क्लास करने से सिलेक्शन नहीं होता, उसके बियॉन्ड भी कई एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और स्टूडेंट्स करना भी चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल पाता कि क्लास के बियॉन्ड जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कैसे मैनेज करें, और उसमें काफ़ी समय ऐसी ज़ाया हो जाता है। जैसे कि क्लास में आपने सीख तो लिया, लेकिन एसेस करना, क्या आप एग्जाम सेंटर के अप्रोच से चल रहे हैं, जो आपने सीखा क्या उससे आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, राइट? तो इस वजह से वीकली टेस्ट यहां पर एडेड है। देखिए, आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम लाना है तो आंसर राइटिंग इज द की, राइट? तो कहीं ऐसे भी स्टूडेंट्स हुए उन्होंने मेंस में इतना अच्छा स्कोर करा कि इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स भी आए तो भी उनकी रैंक 48-40 थी। तो यानी कि आंसर राइटिंग आपको स्टार्टिंग से ही शुरुआत करनी होगी, ये एक स्किल है। तो आंसर राइटिंग क्लासेस यहां पर साथ में दी जा रही हैं। वन टू वन मेंटोरशिप है, मतलब क्या हुआ, क्लास के बियॉन्ड आपकी दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम कि हाँ मेरा ये वाला पार्ट वीक है, राइट, या फिर आप अपनी तैयारी का मोमेंटम नहीं बना पा रहे अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। तो इसमें भी आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मेंटोर्स दिए जा रहे हैं, और इस ग्रुप मेंटोरशिप और वन टू वन में गाइड करने के लिए आपके साथ रहेंगे फॉर्मर कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मिस्टर अनिल स्वरूप एंड अदर ब्यूरोक्रेट्स एज वेल। तो यू शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी। studyiq.com पर अभी आप जाएंगे तो वहाँ पर फीस शोर होगी 25,000, लेकिन आप त्यागी कोड ये यूज़ अभी यूज़ करेंगे तो आपको 18,500 में कोर्स अवेल हो जाएगा। शशांक त्यागी फॉर यू, आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर, वीडियो से जुड़े अपडेट्स यहाँ पर आते रहते हैं। आपका कभी कोई सवाल हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। नाउ फैक्ट्स स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति इंडिया एज अ स्टेट के हेड कहे जाते हैं, पहले नागरिक कहे जाते हैं। पहला जो इलेक्शन था वो 1952 में हुआ था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। अब जरा ये टैली देखिए आज तक के हमारे राष्ट्रपति की, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम एक रिकॉर्ड है। परसेंटेज वोट सिक्योर्ड, यानी कि सबसे ज्यादा वोट उन्हें मिली थी, 98.99% वोट। मिस्टर नीलम संजीवा रेड्डी, ये अकेले ऐसे राष्ट्रपति हुए जो अनअपोज जीते थे। जो रामनाथ कोविंद जी हैं इनको मिली थी 65.65% वोट। अब पहला सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सर ये बताइए एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, मिनिमम एज तो है 35 ईयर्स, भारत के होने चाहिए आप नागरिक, लोकसभा में मेंबर बनने की आप काबिलियत रखते हो। काबिलियत का मतलब ये है कि पार्लियामेंट ने जो अलग से कानून रखे हैं, क्राइटेरिया रखा है, वो एटलीस्ट आप मेट करते हो। और चौथा है कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना रखते हो। इसका मतलब ये होता है कि भाई आप राष्ट्रपति बन गए, अब आप किसी और सरकारी पद से सैलरी नहीं ले सकते। तो आप कहेंगे यार राष्ट्रपति बन गए अब क्यों लेंगे, राइट? अब टर्म कितनी है, 5 ईयर्स है। ओथ आपको दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रेजिग्नेशन आप देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को रेजिग्नेशन देता है। आप कहेंगे सर जूनियर को क्यों दे रहा है? कारण है क्योंकि जब राष्ट्रपति रिजाइन करेंगे तो उस टाइम पर एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका में कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट ही तो आएंगे। तो इस वजह से इनको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलनी चाहिए। रीइलेक्शन ना तो एज की कोई दिक्कत है और ना ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट की कोई दिक्कत है, बस आपके पास सपोर्ट होना चाहिए जीतने का, ठीक है? डिस्प्यूट्स अगर होते हैं आपके इलेक्शन से जुड़े हुए तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, उनका फैसला अंतिम होगा। इम्यूनिटीज आपको मिली हुई है दो तरह की, जब तक आप इस पद पर हैं तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए ये आपकी गरिमा नहीं है, ये पद की गरिमा है जिसके लिए आपको ये इम्यूनिटी दी गई है, राइट? दूसरा, ऑफिशियल कैपेसिटी में जो आपने एक्शंस लिए हैं उसके लिए आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसमें आपको इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोई हीनियस क्राइम कर दिया और आपने सोचा कि अच्छा
इम्यूनिटी वाली बात मैंने पढ़ी थी पॉलिटी में, नहीं आपने पूरी नहीं पढ़ी थी। राष्ट्रपति पद के लिए सुरक्षा है ये, जब आप राष्ट्रपति पद से जाएंगे, हटा दिए जाएंगे अगर आपने हीनियस क्राइम किया तो, राइट। मान लीजिए हीनियस क्राइम सब लगभग प्रूफ है तो आपको ये माना जाएगा कि आप इस पद पर रहने लायक नहीं है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक क्राइटेरिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है लेकिन उस क्राइटेरिया को डिफाइन नहीं किया है कि क्या है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ऐसा हो सकता है इस बेसिस पर आपको हटाया जाए, राइट। और हटाया गया तो उसके बाद नॉक नॉक होगी आपके घर पर, और वो कौन होगा, शायद पुलिस होगी, राइट। तो ध्यान रखिएगा, इम्पीचमेंट केवल एक बेसिस पे हो सकता है, यानी कि आपको हटाए एक बेसिस पे जा सकता है, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा, डिफाइन नहीं है ये, और यूपीएससी यहां पर खेलती है, मेंशन है डिफाइन नहीं है कि इसके क्या क्या मायने हैं। प्रोसेस क्या है इलेक्शन का, सबसे पहले तो इलेक्शन का निकलता है स्केड्यूल कि नॉमिनेशन कब से कब तक फाइल कर सकते हैं, कब इलेक्शन होगा, कब काउंटिंग होगी, तो एक सब काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। कहां से पावर मिलती है इस बारे में, तो देखिए प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 है, उसमें सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 है, वो इस ये पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जैसे कि ये स्केड्यूल अभी निकला हुआ है, मतलब ऐसा निकल रहा है। और जैसे आप मान लीजिए नॉमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में आपको 15,000 रुपीज तो डिपॉजिट देना होता है, प्लस 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स चाहिए। इसका मतलब क्या है, 50 लोग तो आपको समर्थन करने वाले चाहिए कि वो साइन करके दे कि हाँ जी इनको आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दीजिए, हमें लगता है कि ये जीत सकते हैं, और 50 और लोग ऐसे चाहिए जो कहें कि हाँ हाँ हम जो पहले 50 ने इनका नाम प्रपोज किया है ना, हम इनको सेकंड कर दें, बिल्कुल सही बात है, इनको कैंडिडेट बना लीजिए। लेकिन ये 50 और 50-100 लोग ये कहाँ से आएंगे, क्या कहीं से भी आसपास से ले आएंगे आप, नहीं, ये वो लोग हैं जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट डालते हैं। क्या आप में से कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट डाल सकता है क्या, क्या ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है, आम आदमी वोट डालता है। मैं मानकर चल रहा हूं कि आप इलेक्टेड एमपी नहीं है, आप इलेक्टेड एमएलए नहीं है, ठीक है, अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। ध्यान रखिएगा 50+50, याद करिए राज्यसभा इलेक्शन पर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें सेकेंडर्स की बात नहीं करी थी, उसमें तो बस मैंने बात की थी ओनली प्रपोजर्स चाहिए, राइट। अब ये जो रूल है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत से था, क्या हमारे कानून में शुरुआत से था, नहीं नहीं, ये रूल अडॉप्ट किया 1974 में। क्यों, देखिए 52, 57, 62, 67, 69 तक जो इलेक्शंस हुए तो कई ऐसे लोग थे वो हर साल, मतलब हर इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल कर देते थे और अपने आसपास जाकर कहते थे कि देखो मैं तो इतने सालों से राष्ट्रपति का चुनाव हर बार लड़ता हूं, तो ऐसे में समय जाया होता था, उनके जीतने का कोई चांस नहीं है, तो इस वजह से सिंसियर कैंडिडेट यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो सही में जीत सकते हैं तो उन्हीं को आगे लाया जाए, इसी वजह से 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स वाला क्राइटेरिया रखा गया था। वोटिंग इनडायरेक्ट होती है, यानी कि आप और हम वोट नहीं डालते, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं पार्लियामेंट में और आपके स्टेट लेजिस्लेचर में, वो लोग हमारे बिहाफ पर वोट डालते हैं, इस वजह से कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रल कॉलेज यानी कि कौन वोट डालता है, तो ध्यान रखिएगा इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज। इलेक्टेड एमपीज का मतलब लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, एमएलएज का मतलब हर स्टेट के इलेक्टेड एमएलएज, ठीक है, और साथ में जो यूटीज है, तीन यूटीज, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी एंड जेएनके, इनके एमएलएज भी यहां पर वोट डाल पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इलेक्टेड एमपीज एमएलएज, यूपीएससी स्टेटमेंट से तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। नाउ नॉमिनेटेड वाले अलाउड नहीं है, नॉमिनेटेड एमपीज कहां होते हैं, क्या लोकसभा में होते हैं, अब लोकसभा में नहीं होते, पहले एंग्लो इंडियन के तौर पर होते थे, राइट। नॉमिनेटेड एमपीज आपके 12 राज्यसभा में होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा नॉमिनेटेड 12 एमपीज वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते, दे आर नॉट अलाउड, क्लियर है बात। नाउ अब वोटिंग के तरीके की बात करें, यहां पर तीन वर्ड ध्यान रखिएगा, सीक्रेट बैलेट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफर वोट। सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या है, देखिए सीक्रेट बैलेट का मतलब है कि आप जब वोट डाल रहे हैं ना, तो अब ऐसा नहीं है कि जो पार्टी ने कहा है आपसे कि भाई इसी को वोट डालो, तो आप ऐसा नहीं है कि उसके प्रति आप बाध्य हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि जो पोलिंग, जहां पर पोलिंग हो रही है वहां पर आपके पार्टी का कोई लीडर बैठा रहेगा, वो कहेगा मुझे दिखाओ जरा आपने किसको वोट डाला है, तो आप ऐसा कहेंगे देखिए सीक्रेट बैलेट है। अगर मैंने आपको इशारे करके बता दिया कि नहीं मैं तो देखो जिसको आपने कह रहे थे मैंने उसको वोट डाला है, तो आपकी वोट कैंसिल हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से क्रॉस वोटिंग के ज्यादा चांसेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रहते हैं, राइट, सीक्रेट रहता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों कहते हैं, पहले सीक्रेट का एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है कि भाई आपने अगर पार्टी विप, पार्टी का वो लीडर जिसको हाउस में आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी क्या चाहती है आपका रुख हो, वो रुख आप रखें इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अगर आप वो रुख नहीं रखते, आप पार्टी के अगेंस्ट वोट करते हैं जो पार्टी चाह रही है, तो आपको हटाया जा सकता है, राइट। एंटी डिफेक्शन लॉ में पार्टी विप के थ्रू मतलब रिकमेंड कर सकता है वो आपको हटाने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऐसा नहीं चलता, यानी कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से
वोट डाल सकते हैं। आपकी अंतरात्मा क्या किस बेसिस पे होगी कि आपको राजनीतिक फायदा कहां पर है, राइट? ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी जो टर्म थी वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इस वजह से क्योंकि यहां पर जो पॉपुलेशन होती है, जनता, आम जनता, उसके बेसिस पर वोट वैल्यू डिसाइड होती है एमएलएज की और एमपीज की। कैसे डिसाइड होती है, जरा ये देखिए। यह एमएलए की एक एमएलए की वोट वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? ऊपर आप रखेंगे टोटल पॉपुलेशन। एग्जाम्पल, किसी स्टेट की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ है, तो हमने यहां पर रखा 1 करोड़, ठीक है, और उसमें जो टोटल एमएलएज हैं वो हैं 100, तो हम नीचे रखेंगे 100, क्लियर है बात? और इसको पूरे को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्लियर है? तो इससे आपके एक एमएलए की वोट वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर? अब मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूं, आप मुझे बताइएगा स्टेटमेंट सही है कि गलत है। वोट वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ एवरी स्टेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज सेम। तो मुझे बताइए स्टेटमेंट सही है कि गलत है। देखिए, एक तो होता है गलत, एक होता है सरासर कैटेगरी का गलत। ये सरासर कैटेगरी का गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको बताया कि एमएलए की वोट की वैल्यू उस स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। तो मुझे बताइए, क्या सभी स्टेट की पॉपुलेशन एक जैसी है? नहीं ना। तो इस वजह से टोटल पॉपुलेशन ऑफ दी स्टेट अपॉन नंबर ऑफ एमएलए और डिवाइडेड बाय 1000, क्लियर है बात? जबकि आपका जो जनरल इलेक्शन होता है, जैसे आप एमएलए एमपी के इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं, वहां क्या होता है, ईवीएम लगी होती है, आप वोट प्रेस करते हैं, तो वन मैन इक्वल टू वन वोट, यानी कि 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट, राइट? लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है? और वहां पर ईवीएम पर भी वोटिंग नहीं होती, बैलेट पेपर पे होती है। अभी हम बात करेंगे डिटेल में। अब देखिए, वोट ऑफ एमपी, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, तो उसमें जो टोटल एमएलए की वोट वैल्यू आई है, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने यूपी के एक एमएलए की वोट वैल्यू निकाली और वो मान लीजिए आ गई 2, ठीक है, और टोटल जो यूपी के एमएलए हैं, मैंने आपके लिए आसान करने के लिए मान लिया 100, तो टोटल वोट वैल्यू कितनी आ गई यूपी के एमएलए की, 100 आ गई, राइट? तो इसी तरीके से सबसे पहले मैं निकालूंगा राजस्थान के एक एमएलए की वोट वैल्यू, तो मुझे पता लगा ये आई है से 3, हालांकि कम आएगी 3, ठीक है। अब मैंने देखा कि टोटल कितने हैं, चलो मान लो 50 हैं, चलो 50 मान ली, तो इस हिसाब से कितना हो गया, 150 हो गया। तो पता लगा, अच्छा, ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान के टोटल एमएलए की वोट वैल्यू है। पहले एक की निकालो इस फॉर्मूला से और फिर मल्टीप्लाई कर दो टोटल एमएलए, टोटल इलेक्टेड एमएलए, राइट? क्योंकि अब तो इलेक्टेड होते हैं। पहले जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है उस पर भी एंग्लो इंडियन का भी एक सीट होता था। खैर, तो मुद्दे की बात है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, सभी स्टेट्स की निकाल लेंगे, ठीक है? आपको जहमत नहीं उठानी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निकालता है, आपको तो समझ में आना चाहिए प्रोसेस। अब इसके बाद आप सबको ना ऐड कर देंगे टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलए, उसको आप यहां रख देंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ वोट असाइन टू एमएलए, और डिवाइडेड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एमपीज। कौन से एमपीज? इलेक्टेड एमपीज, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी। तो इससे आपको क्या आ जाएगी, वोट ऑफ एमपी पता लग जाएगी, क्लियर है बात? अब देखिए, कई लोग फॉर्मूला से डरते हैं, राइट? फॉर्मूला से डरने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला का लॉजिक्स पकड़ लीजिए कि फॉर्मूला करना क्या चाह रहा है, राइट? अगर ये फॉर्मूला ना होता तो क्या आप पॉपुलेशन वाइज वोट वैल्यू दे पाते? नहीं। पॉपुलेशन वाइज वोट वैल्यू ना होती तो ऐसे में वो एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो पाता, रेशियो वाइज, यू कैन से पॉपुलेशन बेसिस पे। तो ऐसा हो जाता कि एक स्टेट में 50 करोड़ जनता है, एक स्टेट में 1 करोड़ जनता है, लेकिन आपने मान लिया कि नहीं नहीं वोट वैल्यू एक ही रहनी चाहिए, तो इससे तो डिस्पैरिटी हो जाती, क्लियर है बात? तो वैल्यू आपको पता लग गई, वैल्यू का बेसिस क्या है, पॉपुलेशन। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आना चाहिए कि सर पॉपुलेशन तो है, लेकिन पॉपुलेशन कौन से सेंसस के बेसिस पे? ये 2011 वाला सेंसस है, 1991 वाला सेंसस है, हर 10 साल बाद जनगणना होती है, राइट? ध्यान रखिएगा, 1971 का सेंसस यूज किया जाता है, क्लियर है बात? अब यहां पर एक और क्वेश्चन कि अगर हम ये प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, वोट वैल्यू ऑफ एमएलए की बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से कौन सी स्टेट के पास वोट वैल्यू ज्यादा है? तो देखिए, यूपी के पास सबसे ज्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और तीसरे पर क्या है, वेस्ट बंगाल है। पार्टी वाइज पोजीशन याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो चेंज होती रहती है, राइट? लेकिन ये ध्यान रखिए, ये कोड ध्यान रख लीजिएगा, UMW। यहां पर देखिए, ये है 15.26% यूपी की, महाराष्ट्र की है 9.33%, और यहां पर वेस्ट बंगाल की 8.16%, ठीक है? चलिए अब सिंगल ट्रांसफर वोट की बात करते हैं। दो चीजें आपको क्लियर हो गई, सीक्रेट बैलेट, यानी कि वोट जिसको दे रहे हैं दिखाना नहीं, सीक्रेट है, ठीक है?
दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि पॉपुलेशन इज द क्राइटेरिया, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, राइट। तीसरा है सिंगल ट्रांसफर वोट, इसका मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वहां पर ईवीएम नहीं लगी हुई है, बैलेट पेपर मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे कि एक बैलेट पेपर ये मिला, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये कुछ काल्पनिक नाम रखे हैं मैंने, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। तो एक कैंडिडेट है शाह, दूसरे हैं केजरी और तीसरे गांधी। तो आपको बैलेट पेपर पे ना दो कॉलम मिलते हैं, एक तरफ नाम होता है और दूसरी तरफ आपको स्पेस मिलता है कि आप क्या प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए एमपी हैं, लोकसभा के इलेक्टेड हैं, राइट। तो ऐसे में आपने, आपको बैलेट पेपर मिला था, आपने शाह के आगे लगाया 1, केजरी के आगे 2 और गांधी के आगे 3, यानी कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन है, शाह है, ठीक है। कोई दूसरे हैं, उनको बैलेट पेपर मिला, उन्होंने शाह को 2 दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया केजरी को, थर्ड गांधी को। तीसरे हैं, उन्होंने फर्स्ट शाह को, सेकंड केजरी को और थर्ड गांधी को, राइट। तो इस तरीके से कई सारे बैलेट पेपर हैं, क्लियर बात। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है, आपसे कहता है भाई बैलेट पेपर पे आपने प्रेफरेंस फिल कर ली, अब जरा इसको बैलेट बॉक्स में डाल दो। आपने बैलेट बॉक्स में डाल दिया, अब काउंटिंग के दौरान फिर वो एक एक करके इनको निकालते हैं, फिर वो देखते हैं, अच्छा केवल फर्स्ट प्रेफरेंस देखनी है हमको, अब पहले जो पहला राउंड है वो काउंटिंग का, फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी, अच्छा शाह की फर्स्ट प्रेफरेंस देखो, अच्छा शाह के नाम पर एक अलग से जार हमने बना दिया, तो शाह की वोट हमने इसमें डालनी, तो एक बैलेट पेपर इसमें आ गया। दूसरा देखा, अच्छा केजरी इज द फर्स्ट, तो केजरी का अलग से हमने जार बना रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले जितने बैलेट पेपर पे केजरी होगा उसको हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है। फिर हमने गांधी देखा, अच्छा गांधी के लिए भी फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो चलो एक अलग जार है उसमें गांधी डाल दिया। तो इस तरीके से हम केवल फर्स्ट प्रेफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस सब इकट्ठी हो जाती हैं, तो ऐसे में देखा जाता है कि जो टोटल वोट हमने वैल्यू मानी है उसका 50% से ज़्यादा जैसे ही मैट हो जाएगा तो तुरंत हम मान लेंगे कि हाँ वो जीत गया है, ठीक है। लेकिन पता लगा है तो कैंडिडेट इतने ज़्यादा हैं, अभी किसी को 50% से ज़्यादा नहीं मिला, तो पता लगा कि यार गांधी जो है उनको सबसे कम वोट मिल रहे हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के, चलो इनके जरा निकाल लीजिए, अब इनको बाहर करते हैं, तो इनके बैलेट पेपर निकालते हैं। तो इनके बैलेट पेपर पे देखा, अच्छा फर्स्ट प्रेफरेंस गांधी था तो गांधी के तो जीतने के चांस है नहीं। सेकंड प्रेफरेंस पे देखिए कौन है, अच्छा केजरी है, तो सेकंड प्रेफरेंस पे केजरी है तो ये केजरी वाले जार में चला गया, ठीक है। फिर गांधी के जार से फिर दूसरा बैलेट पेपर निकाला, अच्छा गांधी फर्स्ट प्रेफरेंस है यहाँ पर, गांधी को तो अब जीता नहीं रहे, वो तो हारने वाले हैं। सेकंड प्रेफरेंस देखो, केजरी वाले जार में चला गया। फिर निकालो तीसरा, केजरी वाले जार में चला गया। तो इस तरीके से जो केजरी वाला जार है उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस के जो वोट्स हैं ज़्यादा हो गए, वोट वैल्यू बढ़ गई। तो जैसे ही 50% से ज़्यादा वोट वैल्यू के यहाँ पर बैलेट हो जाएंगे तो ऐसे में उनको जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा, इनको शुभकामनाएं मिल गई हैं, क्लियर बात। When is the election of the office of President of India held? कब होता है? तो देखिए 60 दिन इसका क्राइटेरिया माना जाता है, मतलब इलेक्शन कमीशन मान के चलता है कि 60 दिन में मुझे प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर देनी है, और जैसे ही पुराने राष्ट्रपति का जो है जैसे ही टाइम पूरा हो रहा है तो नेक्स्ट डे से ही हमारे पास नए राष्ट्रपति होने चाहिए। अब इलेक्शन कराने के दौरान एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जिसकी जिम्मेवारी होती है पूरी, तो वो कौन होता है, किसको एक जिम्मेदारी मिलती है? तो इसमें सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा और सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा दोनों को ये जिम्मेदारी मिल सकती है, राइट। लेकिन रोटेशन बेसिस पे मिलती है, एक बार सेक्रेटरी जनरल लोकसभा को, एक बार सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा को। ये ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन दीज हाउसेस, क्लियर है बात। तो दोनों का नंबर आएगा रोटेशन से, ध्यान रखिएगा। जैसे कि इस बार के इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर होंगे मिस्टर अनूप मिश्रा, और इसका जो बेसिकली नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करता है। अब नॉमिनेशंस की बात करते हैं। नॉमिनेशन का मतलब होता है कि आप ऑफिशियली कह रहे हैं कि हाँ मैं कैंडिडेट हूँ इस इलेक्शन में, ठीक है। तो आप कितने नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं? आप कहेंगे सर एक ही तो करेंगे, लेकिन एक आपने किया, अगर एक ही चांस मिला आपको नॉमिनेशन फाइल करने का, हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए, कुछ गड़बड़ी आपने करी हो उसमें पेपर में। तो ऐसे में आपको 4 मौके मिलते हैं, 4 आपको मिलते हैं, लेकिन गलती से आप बच कर रहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको एक ही करना है, क्लियर बात। व्हाट आर द ग्राउंड्स? अब आप कहेंगे सर 4 मौके तो दे दिए, लेकिन गलती किस तरीके की होती है हमें बता दीजिए जिससे हम बच के रहें, राइट। तो पहला तो है एलिजिबिलिटी। मान लीजिए मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी मिनिमम एज 35 है, तो आपने बताया उसमें 36 है, लेकिन कहीं से पता लगा कि आपने वो फर्जी बताया है, एक्चुअल में आपकी एज 32 है, राइट। वो राष्ट्रपति बनने के लिए आपने ऐसा किया है, तो इस बेसिस पर आपका जो वो है वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपकी एलिजिबिलिटी हो लेकिन आपने सही प्रूफ ना लगाया हो, कुछ भी हो सकता है, या उस पर काउंटर क्लेम आ रहे हो कि नहीं इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है, ऐसा कुछ हो। तो कोई भी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड अगर पेपर वर्क है, अगर वो प्रूफ नहीं है, एडमिसिबल प्रूफ नहीं है, तो इस बेसिस पर वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से आपको चांस मिलेगा, दूसरा नॉमिनेशन फाइल कर दो, क्लियर है। जो आपने प्रपोजर्स और सेकेंडर्स रखे थे, 50 लोग प्रपोज कर रहे थे, आपको 50 सेकेंड करे, तो कौन कर सकता है? यानी कि इलेक्टेड एमएलएज और इलेक्टेड एमपीज कर सकते हैं, क्योंकि वोट तो यही लोग देंगे ना आपको,
राइट, तो इलेक्टर्स ही प्रपोजर्स और सेकेंडर्स बनते हैं। तो आपने 100 का सपोर्ट ले लिया और आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, इलेक्शन कमीशन चेक कर रहा था, पता लगा कि आपने जब ये साइन कराया था तब तो थे, लेकिन अब जो है उनमें से 10 लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, राइट। तो अब तो आपके पास यानी कि ड्यू सपोर्ट है नहीं, 100 चाहिए, अभी तो 90 का सपोर्ट है आपके पास, तो ऐसे में रद्द हो सकता है। तो आपको 50+50 का सपोर्ट बनाकर रखना होगा। आपका साइन गड़बड़ हो सकता है या प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स का साइन गड़बड़ हो सकता है, तो इस केस में भी आप पर यू कैन से रिजेक्ट हो सकता है आपका प्रपोजल। अच्छा, दूसरा, जो आपका नॉमिनेशन फाइल होगा वो कौन फाइल करेगा? क्या आप ही नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे या फिर प्रपोजर सेकेंडर्स में से किसी को भेज देंगे? तो देखिए, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, यानी कि कैंडिडेट खुद भी इलेक्शन कमीशन के समक्ष जा सकता है या जिन्होंने आपको समर्थन दिया है वो भी आपके बिहाफ पे कर सकते हैं, लेकिन जो टाइम इलेक्शन कमीशन ने आपको दिया है उस टाइम में आपको फाइल करना पड़ेगा। यहां से जरा ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट भी जा सकता है और प्रपोजर सेकेंडर्स भी जा सकते हैं, क्लियर है बात। तो ऐसे में आपको अनदर सेट ऑफ नॉमिनेशन का ऑप्शन मिलता है। ये भी ध्यान रखिए कि अगर कुछ माइनर दिक्कत होती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फेयर चांस दिए जाते हैं, ठीक है, फर्जी में कोई आपको परेशान नहीं किया जाएगा। नाउ वेयर इज द पोल फॉर इलेक्शन, होता कहाँ इलेक्शन? तो देखिए, जो MPs होते हैं लोकसभा राज्यसभा, उनका तो पार्लियामेंट हाउस में होता है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो MLAs हैं उनके लिए जो लेजिस्लेचर का सेक्रेटरिएट होता है तो वहीं पर किया जाता है इलेक्शन, क्लियर है। वॉट इज द कलर? अब देखिए, कलर में भी डिफरेंस है। जो MPs को बैलेट पेपर मिलता है वो ग्रीन कलर का होता है, और जो MLAs को मिलता है वो पिंक कलर का होता है। ये बेसिक फैक्ट है, लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो MLAs होता है उनका ड्रेस कोड होता है कि उनको पिंक में आना है, ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग ना वियर्ड चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद रखता है। ऐसा कुछ याद रखेंगे तो इफेक्ट याद रहेगा। बैलेट पेपर पे दो कॉलम होते हैं, एक तरफ नेम और एक तरफ प्रेफरेंस। ध्यान रखिएगा, फोटो वगैरह नहीं लगा होता, ठीक है। नाउ लैंग्वेज कैसी होती है? MPs के लिए जो बैलेट पेपर होता है उसको इंग्लिश और हिंदी दो में ऑप्शन दिया जाता है। जो MLAs के लिए इंग्लिश होता है, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है स्टेट की उसमें दिया जा सकता है। इज इट कंपल्सरी फॉर एन इलेक्टोरेट प्रेजिडेंशियल इलेक्शन टू मार्क प्रेफरेंस टू ऑल कैंडिडेट्स? जैसे मैंने आपको बैलेट पेपर दिखाया, शाह, केजरी और गांधी। अब आप में से कोई ऐसा है कि जिसका विश्वास शाह में इतना अटल है वो केवल फर्स्ट प्रेफरेंस लगा के आया है, वो कह रहा है मुझे सेकेंड थर्ड को देखना भी नहीं है, आई डोंट वॉन्ट दैट, तो क्या ऐसे में आपकी वोट को एक्सेप्टेबल माना जाएगा या सारे ऑप्शन पर आपको प्रेफरेंस डालनी है? देखिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, उसके अलावा आप नहीं देते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज मस्ट, उसके अलावा आप देना चाहते हैं तो आपकी श्रद्धा है, ठीक है, केजरी गांधी को देना चाहते हैं, श्रद्धा आपकी। नाउ क्या आप प्रॉक्सी से वोट कर सकते हैं कि मेरी तो तबीयत खराब है, दूसरे MP से कहा कि हाँ जी इनसे वोट डलवा लीजिएगा आप मेरी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। नोटा है कि यहाँ पर नन ऑफ द, अब ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, EVM में आपके लिए अवेलेबल है, यहाँ बैलेट पेपर में नहीं है, प्रेजिडेंशियल इलेक्शन में। Now, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये आपको आंसर करना है कमेंट्स में। सबसे पहले, कैन अ डिसेबल्ड और इलिटरेट इलेक्टर इन अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टेक द हेल्प ऑफ अ कंपेनियन रिकॉर्ड हिज वोट? अगर मान लीजिए कोई डिसेबल्ड है या कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, उसके बैलेट पेपर में पता भी नहीं है कि कहाँ 1-2 क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या वो अपने किसी कंपेनियन की सपोर्ट ले सकता है, क्या साथी की सपोर्ट ले सकता है? बताइए हाँ या ना। आप में से शायद कुछ लोग सोचे ना, इतना बेदर्द तो नहीं होगा इलेक्शन कमीशन, डिसेबल्ड है तो अगर अपने साथी को ये बताना चाहता है कि इस पे 1-2-3 पहला ही है दूसरा ही है तो कर देना चाहिए ना, इसमें क्या दिक्कत है, राइट? यस है या नो है? आंसर इज नो, ठीक है, क्यों? सीक्रेट बैलेट है, लेकिन बेदर्द नहीं है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अपने कंपेनियन से आप सपोर्ट लेना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, आप आइए, और जो हमारा यहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, यहां पर आपको एक अधिकारी मिलते हैं तो अधिकारी से आप सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है, कंपेनियन अपने कंपेनियन से नहीं ले सकते आप। तो UPSC इन टर्म्स पे खेलती है, इस वजह से बारीकियों पर ध्यान देना जरूरी है। कैन द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस क्या चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में बताया था आपको। अब ये क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब याद करिए प्रोपोर्शनल वाला जो मैंने आपको सिस्टम बताया, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MPs ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MPs इन राज्यसभा। अब याद करिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या जो फॉर्मूला था उसमें मैंने लोकसभा और राज्यसभा के MPs के लिए अलग अलग फॉर्मूला बताया था? नहीं, एक ही फॉर्मूला बताया था, और टोटल नंबर ऑफ MPs चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो एक ही जगह ऐड किए थे, राइट? तो इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अब इसको अटेम्प्ट कीजिए आप। 2018 में UPSC ने पूछा था ये। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रेजिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। आई थिंक ये तो क्वाइट ईजी क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए, क्लियर है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई
अफोर्डेबल।